गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पर अपन लोग मॉल्टन कापलान का सिस्टम्स अप्रोच देख रहे थे, जिसमें आप लोगों ने जो दो कॉन्सेप्ट्स देखे थे वो था द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी और दूसरा आप लोगों ने देखा था लूज बाइपोलर सिस्टम। आज अपन लोग जो लेने जा रहे हैं वो है द टाइट बाइपोलर सिस्टम, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। यहाँ पर कापलान कठोर या दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था को सभी राज्य स्पष्ट रूप से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुट से, किसी न किसी ब्लॉक के साथ, किसी न किसी ध्रुव के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और संकट आने पर ये ब्लॉक के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, ये सब अपने अपने गुट का, अपने अपने गुट के नेतृत्वकर्ता का पक्ष लेते हैं। इस सिद्धांत को समर्थन इस विचार से मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में राज्यों के लिए जो महत्व है वो उनकी आइडियोलॉजी का है, वो उनकी विचारधारा का है और इसी के द्वारा राष्ट्रीय हितों का साधन संपन्न हो पाता है। मीन्स इसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर स्टेट्स अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। ये व्यवस्था एक तरीके से लूज बाइपोलर सिस्टम का एक ट्रांसफॉर्म्ड तरीका है, एक परिवर्तित तरीका है, जिसमें गुट निरपेक्ष राज्यों को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। बेशक अस्तित्व में रहते होंगे गुट निरपेक्ष राज्य, लेकिन उनकी जो रेस्पेक्ट है वो इस टाइट बाइपोलर सिस्टम में देखने को नहीं मिलती। इसमें जो यूएनओ जैसा संगठन है वो यूएनओ जैसा संगठन एक मूक दर्शक बन करके रह जाता है, जिसको महाशक्तियां अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से आंकने की कोशिश करती हैं, उसको प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट और फोर्थ जो अपन सिस्टम लेंगे मॉर्टन का प्लान का वो है द यूनिवर्सल सिस्टम अप्रोच, सार्वभौमिक व्यवस्था दृष्टिकोण। कापलान के इस सार्वभौमिक व्यवस्था दृष्टिकोण के तहत एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की है, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर की कल्पना की गई है, जिसमें विश्व के सभी राज्य एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य बन जाएंगे, एक ऐसे विश्वव्यापी संगठन में शामिल हो जाएंगे जो राष्ट्रीय राज्यों के बीच युद्ध को रोकने का कार्य करेगा, या ये कहें कि वो इतना शक्तिशाली होगा कि राज्यों के बीच युद्ध को रोकने का, तनाव घटाने का काम करेगा और इस संदर्भ में वो इतना एनफ पावरफुल होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि वो इन दोनों ही कार्यों को करने में सक्षम हो पाएगा, जिसमें राज्य इस एकीकृत व्यवस्था के ढांचे में रहते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि राज्य एक तरफ यूएनओ जैसी विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य होंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होने के साथ ही साथ वो अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को, अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। सभी राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण उपायों का सहारा लेंगे और यहाँ तक कि किसी भी प्रकार से फोर्स को इस्तेमाल करने की, बल प्रयोग करने की धमकी भी नहीं देंगे। इसमें जो राष्ट्रीय राज्य हैं वो अपनी नीतियां यथासंभव इस तरीके से बनाएंगे कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व को बल मिले। मीन्स जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको एक प्रकार से स्थिरता मिले, एक प्रकार से उसको स्थायित्व मिले। पांचवा जो एस्पेक्ट कापलान के द्वारा बताया गया है वह है हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम, पद सोपानीय श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। कापलान के अनुसार ये मॉडल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब एक बड़ी महाशक्ति विजय के द्वारा या संधि के द्वारा सभी राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में कर ले और जो राज्य हैं, अन्य जो राज्य इसके नियंत्रण में आए हैं,
वो प्रोविंशियल यूनिट्स में परिवर्तित हो करके क्रियात्मक इकाइयों में बदल जाएं। इसको अपन ये कह सकते हैं कि जो सुपर पावर्स हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो सुप्रीम एवं सार्वभौम होकर के सभी दूसरे राज्यों को अपने में समाहित कर लेती हैं, शामिल कर लेती हैं, और बाहर केवल एक शक्ति या एक राष्ट्र ही रह जाता है। ये जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, ये निदेशात्मक भी हो सकती है और गैर निदेशात्मक भी हो सकती है। ये डायरेक्टिव भी हो सकती है और नॉन डायरेक्टिव भी हो सकती है। यदि ये किसी निरंकुश राज्य, जैसे नाजी जर्मनी जैसा यदि कोई राष्ट्र है, वो यदि किसी स्टेट एक्टर द्वारा की गई विश्व विजय का परिणाम है, तो ये निदेशात्मक होगी। और यदि ये प्रजातांत्रिक देशों में प्रचलित नियमों पर आधारित है, तो ये एक गैर निदेशात्मक पद सोपानीय व्यवस्था होगी। गैर निदेशात्मक पद सोपानीय व्यवस्था में एक राष्ट्र हावी होता है और अन्य राष्ट्रों में जो शक्ति का वितरण है, वो उनकी श्रेणी के अनुसार ही होता है। लेकिन एक जो निदेशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है, उसमें समूहों और व्यक्तियों के बीच तनाव बहुत अधिक रहने की संभावना होती है। जबकि अनिदेशात्मक गैर निदेशात्मक श्रेणीबद्ध व्यवस्था में तनाव अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। अंतिम अपन जो कंसेप्ट ले रहे हैं कापलान मॉर्टन के सिद्धांत का, वो है द यूनिट वीटो सिस्टम, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। कापलान के द्वारा की गई ये छठी एवं अंतिम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जिसे इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था का नाम दिया गया है, द यूनिट वीटो सिस्टम के नाम से पुकारा गया है। और इस व्यवस्था में जो सुपर पावर्स हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, जो बहुध्रुवीय धारणा में सम्मिलित हैं, वो सब के सब इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनके सबके पास एक से बढ़कर के एक अत्याधुनिक घातक अस्त्र और हथियार हैं, और जिसकी बदौलत ये स्वयं नष्ट होने से पहले दूसरों को नष्ट करने में समर्थ हैं, दूसरों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें प्रत्येक राज्य के पास मानो निषेधाधिकार होगा, वीटो पावर होगा, अर्थात उसके निर्णय एक प्रकार से अंतिम होंगे। इस व्यवस्था की मुख्य बात यही है कि प्रत्येक राज्य दूसरे को नष्ट कर देने की दृष्टि से समान रूप में समर्थ होगा, और ऐसी व्यवस्था में किसी सार्वभौमिक संगठन का अस्तित्व नहीं हो सकता, और ना ही इस बात की संभावना रहेगी कि कोई और सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित हो सके। ये व्यवस्था तभी सफल होगी जबकि गड़बड़ अथवा शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरोध में अन्य सभी राष्ट्र सामूहिक रूप से खड़े हो जाएं। ये इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था शेष 5 मॉडल्स में से किसी में से भी विकसित हो सकती है, जिससे विश्व की जो राजनीतिक स्थिति है, उस विश्व की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि कापलान के जो पहले दो मॉडल हैं, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी एंड लूज बाइपोलर सिस्टम, ये ऐतिहासिक हैं, और बाकी के जो 4 कंसेप्ट्स हैं, वो बाकी के 4 कंसेप्ट्स हाइपोथेटिकल हैं, परिकल्पित हैं, और इनके पूरे होने की संभावना, वास्तविक रूप में आने की संभावना मुश्किल ही है। कल अपन लोग मॉर्टन कापलान के व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे। थैंक यू।